ये ना कल्चर हमारी इस इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा कि कोई एक इंसान अपनी पोजीशनिंग जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं या टैग होता है उसको ज्यादा सीरियसली ना ले। हीरो और हीरोइन का जमाना 90s में, जैसे मैं पहले भी कहा है कि वो शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, ये लोग थे। मतलब मैं रियल लाइफ में मुन्ना बन के नहीं घूम सकता हूँ कि यू नो अभी इतनी फॉलोइंग है, ये मुन्ना भैया जहां भी जाता हूँ वो लोग करते हैं। तो काम को सीरियसली लेना है, अपने आप को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है। आशीष के बगैर कोई फिल्म या प्रोजेक्ट की मेरी पूरी नहीं होती है। मतलब सबसे पहला इंसान जो मुझे दिखता है वो आशीष होता है। इनसे ईर्ष्या होती है कि मुन्ना भाई यार क्या करता है, मतलब कैसे कर लेता है ये बंदा। ऑनेस्टली मेरे साथ ये हुआ कि कभी काम की कमी नहीं। पैसे कितने थे? खानदानी दुश्मनी अलग पैदा हो जाती है वहां से कि लोग सिर्फ अच्छा फिल्म देखना चाहते हैं, अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। छोटी सी बात है, बस अच्छी स्टोरीज बनाए, लोगों को एंटरटेन करें, कोई मुद्दा लेके तो बैठा नहीं है कि हम देखने नहीं जाएंगे। क्लैश भी जबरदस्त है आपकी फिल्म का ऊंचाई के साथ में, मतलब कि वो सीनियर सिटीजन जो है एक ऐसे दिन पे ऐसी कहानी आ रही है जो इतनी अलग है, जो कि सो कॉल्ड बॉलीवुड के हमारा जो खांचे में जो है उसमें नहीं बैठती है, अलग है। इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्येंदु और आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद ओनली आशीष। और इसको जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी अभी इसी वक्त इसी वक्त। नमस्ते, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आपके फेवरेट स्टार्स से दिल की बातें करने की कोशिश करते हैं। और आज बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, वो तीन लोग जो अपनी फिल्मों के जरिए सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, धारणाएं हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हैं क्योंकि जिनके बारे में जब मैं उनसे तारीफ करवाऊंगा आपको तो आप समझ जाएंगे मैं किन लोग की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस भी किरदार में वो जाते हैं वो अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं। मेरे साथ हैं दिव्येंदु भाई। हेलो आशीष। साथ में गजराज जी, जो कि अब एक वो जो होता है ना आलू की तरह है कि हर फिल्म में अपना वो एक अलग ही फ्लेवर छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और साथ में हैं ऐसे डायरेक्टर जिनका नाम मेरे ख्याल से अवार्ड कुमार होना चाहिए, मंगेश जी। सर अवार्ड कुमार, अवार्ड कुमार बहुत अच्छा है, तीन तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। और ये जो फिल्म है जिसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म, जो ऐसी फिल्म है बड़ी ही प्रोग्रेसिव, नॉट अ रेगुलर कॉमर्शियल फिल्म, जिसमें आपको थोड़ी खुशी भी देगी, थोड़ा मैसेज भी मिलेगा, जो गजराज जी जिसके लिए और दिव्येंदु भाई जाने ही जाते हैं, थाई मसाज की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा एक बाबूजी ऐसे तीर्थ पे जा रहे हैं जिसमें तीर्थ के अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। पहले तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पहली बार जब आपको, क्योंकि अब तो आप वो, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं फिल्मों के जरिए अपने वो तोड़ने के लिए माने जा रहे हैं, ये फिल्म के बारे में जब मंगेश जी ने आपको बताया तो क्या रिएक्शन था आपका? ये कोविड के बीच में हम लोग बात हुई थी हमारी और जूम पे हम लोग मिले और इनका काम मैंने देखा हुआ था, इंडिया और देख इंडियन सॉरी, ये तमाम चीजें, तो मुझे बहुत अपीलिंग लगा, बहुत रोमांचक लगा। और जब कहानी इन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे लीक से हटकर जितनी चीजें होती हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगती हैं। मतलब कह सकते हैं कि जैसे आयुष्मान खुराना मुझे बड़े प्रभावित करते हैं कि जिस तरह से वो सब्जेक्ट चूज करते हैं और बड़े आसानी से वो रोमांटिक फिल्में कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं, लेकिन वो चैलेंज लेते हैं। और बधाइयों में मैंने उनके साथ काम किया, शुभ मंगल में काम किया, तो मुझे उनका वो काम करने का तरीका, और जब मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएगी कि जहाँ पे मैं चयन कर सकता हूँ या मुझे थोड़े बड़े पार्ट मिलने शुरू हुए, तो मैं ये चीज का ध्यान रखता हूँ। और ये मुझे लगा कि हाँ, ये इस आत्माराम दुबे की जो ये जर्नी है मुझे इसमें जाना ही चाहिए। और कुछ दिनों बाद उसके अंदर दिव्येंदु शामिल हो गए तो मेरे लिए वो सोने पे सुहागा जैसा। दिव्येंदु तो ऐसे हो गए कि जो इनका नाम है इस फिल्म में संतुलन, ये अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेके हर तरीके के ओटीटी की बात करें या फिल्म्स की, वो संतुलन बैठाने के लिए माहिर हो गए। नहीं, और इनका अपना एक अलग सिग्नेचर है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा इनका जलवा उज्जैन में हम लोग शूट कर रहे थे
और उसमें तकरीबन नहीं तो 150 से 200 नवयुवक बाइक फॉलो कर रहे थे जहां पे ही जा रहे थे, और ये उनको बोल देते थे कि रुक जाओ भैया, वो रुक जाते थे अभी थोड़ी देर बाद फोटो खींचेंगे। तो मतलब वो जैसे हुआ है कि इनको रोकना पड़ा है उनको, पाइड पाइपर होता है ना वैसे, कि इनके पीछे पीछे पूरा झुंड चला जा रहा। तो मैं बड़ा चमत्कृत हुआ कि मैंने, मुझे मालूम था कि इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है और लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, इनके काम को बड़ा पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा चमत्कारिक मैंने वहां पे अनुभव किया। मंगेश जी, हमेशा आपकी जो फिल्में होती है लीग से हटके और समाज के ऐसे तबके से लेके आते हैं जिनको लोग मतलब उस स्टाइल से, उस नजरिए से देख नहीं पाते हैं। अब जैसे ये फिल्म है, उम्र दराज लोगों की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े अनूठे ढंग से उठा रहे हैं, लेकिन वो हल्कापन नहीं है उसमें जी। उसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि एक कन्वर्सेशन क्रिएट हो, एक इम्पैक्ट हो उसके साथ, ये कैसे कर लेते हो हर बार आप? एक्चुअली वो शायद हो सकता है, मतलब मैं तो वैसा नॉर्मल सीरियस लगता हूँ, मगर निजी लाइफ में बहुत नटखट हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मजा आता है एक्चुअली लोगों को ऑब्जर्व करना, और एक्चुअली यदि आप जिंदगी जो लोगों से जुड़े रहो और घूमो ज़्यादा, तो कहानियाँ इर्द गिर्द ही होती है, तो शायद उनको मैं छू पाता हूँ और इसलिए वो हो जाता है। गजराज सर, मुझे एक चीज बताइए, जैसे काफी सालों से ना एक टैग लग गया था इंडस्ट्री में कि जैसे अगर सीनियर एक्टर्स हैं उनको लेके सोलो या लीड में फिल्म्स नहीं बनती थी, लेकिन अब वो जो स्टीरियोटाइप है वो भी टूटा है। आप खासकर उसके ब्रांड एम्बेसडर हो, बधाई हो की बात कर लें, अब शुभ मंगल ज्यादा सावधान की या इस फिल्म की बात कर लें, ये जो चेंज है, बदलाव है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑडियंस है, हिंदुस्तान जो है वो नौजवान देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नौजवान है, और नौजवान ऑडियंस है जिनके पास दुनिया जहान की कहानियां है, दुनिया जहान की फिल्में, दुनिया जहान के शोज वो देखते हैं, तो वो अभी फॉर्मूला या घिसे पिटे कहानियों से पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, उनको वो फिल्मीनेस वाली चीजें नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि जो नए मेकर्स आ रहे हैं, नौजवान लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, लड़के लड़कियां जो बना रहे हैं, तो वो ऑडियंस उनको हाथों हाथ ले रही है। तो हम लोग ये प्रयास जो हम ये हिम्मत कर रहे हैं ये फिल्म बनाने की और पूरा इतनी मेहनत करके ये कहानी ऑडियंस के सामने लाने की, उसके पीछे वजह यही है कि मुझे लग रहा है कि ऑडियंस बहुत स्पेस दे रही है, जगह दे रही है नई कहानी। ये अगर हम ये फिल्म बोल पा रहे हैं कि 70 साल की आदमी कहानी, तो वो उसके पीछे रीजन है कि हमें मालूम है, पूरा भरोसा है कि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो। और दिवेंदु भाई के लिए तो हमेशा ये हो गया है कि उनके चाहे वो मिर्जापुर जैसे सीरीज हो, यहाँ पर एकदम इंटेंस और अलग तरीके के रेंज वाला अवतार हो, या फिर अब ये जो संतुलन कुमार है, पंच लाइंस डायलॉग्स आपके ऐसा लग रहा है कि वो टेलर मेड हो जाते हैं जब आप बोलते हो, और वो जो लिंगो है, डायलेक्ट है, वो इतने आसानी से पकड़ कैसे लगते हो कि मतलब अभी जैसे उज्जैन का बंदा है, वो जो एक छोटे छोटे न्यूएंसेस है ना, बहुत कमाल आपने पकड़े। थैंक यू। बट यार मुझसे ना, मैं आई बीन लकी के मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो ऑथर बैक्ड होते हैं, तो इसमें हाँ मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, लेकिन जो स्क्रिप्ट पे जो काम था ना वो मंगेश ने मुझे करके दिया था, मुझे बस उसको एग्जीक्यूट करना था जाके। तो आई वॉज वेरी लकी कि कुछ एक ऐसी चीज मिली जिसकी पहले से एक ब्लूप्रिंट मुझे दिख रहा था एक कैरेक्टर का, और यही वजह थी एक ऐसी फिल्म को हाँ बोलने की, जैसा गजराज सर कह रहे थे कि कुछ एक ऐसी कहानी जो कि हमने पहले सुनी नहीं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हमने पहले देखे नहीं। उज्जैन की बात हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा फिल्म्स हमने देखी नहीं है, वो लिंगो वो करने में कुछ मजेदारी थी, कुछ चटपटापन था कहानी में। तो या आई जस्ट गॉट लकी यार, कुछ एक अच्छा कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और बस कर लेते हैं, छाप छोड़ जाते हो कि मतलब वो बिच्छू वाला किरदार हो या ये मिर्जापुर या अभी, मतलब वो लिंगो वाली जो चीज है ना वो देसी बना पकड़ लेते हो। वो मुझे इसमें स्पेशली हेल्प करा क्योंकि एफटीआई में ना मेरे कुछ जूनियर्स थे जो कि इंदौर और इस जगह से थे, तो उनकी कुछ बातें मुझे आ जाती थी कि वो कैसे वो डबल एक ही मात्रा हर चीज में करना, वो तो वो काफी हेल्प कर जाता है। आई थिंक एज एक्टर्स हमारा काम ही ऑब्जर्वेशन का, तो वो कहीं ना कहीं वो जो डेटा जो फीड होता रहता है ना वो कहीं ना कहीं काम आता है। और ये जो कहानी है एक ऐसे सीनियर आदमी की कहानी है जो बहुत अपने पर्सनल लाइफ में वो लोनलीनेस जो फील कर रहा है, मतलब जिसने अपनी लाइफ पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, और बाबूजी के लिए सब ऐसे महान बाबूजी और इतना
लेकिन वो जो इंटरनली जिस चीज से जो उहापो है उसके अंदर उससे डील कर रहा है, वो जो कैरेक्टर आपने निकाला है सर के साथ वो बहुत ही कमाल निकल के आया। अब जब वो देख रहे हैं आप ट्रेलर और जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन क्रिएट कर रहा है, किस वो क्या फीलिंग है आपकी? फैंटास्टिक फीलिंग है। बेसिकली ये जो कहानी का जो जिस्ट हम जिसको बोल सकते हैं, तो ये कहानी बेसिकली मेरे माँ पिताजी से मुझे सूझी थी। और मैं जब कॉलेज में था तब मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था, तब वो 51 के थे और मेरी माँ तब 41 की थी और मैं 21 साल का था। तो मैं जब छुट्टियों में घर जाता था तो मेरी माँ को मैं देखता था, वो पिताजी को नहला रही है और ये सारा चीज़ें। लेकिन मुझे लगता था कि जब एक औरत है और वो विडो हो गई तो वो मान लेती कि मेरा पति अभी जिंदा है ही नहीं, लेकिन आपका हस्बैंड भी आपके सामने है और 17 साल उन्होंने नहलाया अपने पति को। तो मुझे दोनों के सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में ख्याल आते थे कि ये इनकी लाइफ कैसी होगी उस टैबू में। तो वहाँ से जिस्ट मुझे आया था, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही, कुछ फिल्म्स होती है ना जिसमें मेकर उसको एंजॉय नहीं कर सकता, ऑडियंस करती है, तो मेरे लिए बहुत ही सीरियस बात थी। लेकिन एक शुगर कोट चाहिए सीरियस बात बताने के लिए, तो ये हमने वैसा फिर मैंने वो राइट किया। और जब गज्जू सर ने बेसिकली स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद, गज्जू मेरे हर फिल्म में एक इनोसेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो गज्जू सर का जो निजी लाइफ में भी जो एक एक्सप्रेशन होते हैं तो वो बड़े मासूम लगते हैं मुझे। तो आपने ब्लैक फ्राइडे और वो सब देखी? नहीं, हाँ देखी है, तो भी एक फर्स्ट इम्प्रेशन निजी लाइफ। तो मुझे लगा ये बड़े परफेक्ट लगेंगे। तो और उन्होंने जिस ढंग से, मुझे लगता है उनका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा ये मेरे में। मुझे लगता है कि मैं ये बहुत मेहनत करवाई इन्होंने मेकअप से लेके और तमाम। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग कोविड के बीच में शूट कर रहे थे, वो जो सबसे भयानक दौर है कि सब मास्क लगा के आपके सामने 100 लोग मास्क लगाए हुए हैं और आपके रोज टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बीच में शूट करना और ट्रैवल करना दूसरे शहरों में जाना, तो वो उस तरह से भी यादगार है, मेहनत के लिए भी यादगार है। और दूसरा कि जो भी जिन जिन कलाकारों के संपर्क में मैं आया, हम लोग आए, दिव्यंदु से परिचय हुआ और जो कोलैबोरेशन हुआ, सनी हिंदुजा जो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, अनुरिता झा, चंदन और शशि जो मेरे जवाई का रोल कर रहे हैं, राजपाल उनका स्पेशल एंट्री है वो, और वो इतना मतलब मैं फिल्म देख रहा था, मुझे लगे वो राजपाल के अलावा वो पार्ट कोई कर ही नहीं सकता। हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि राजपाल राजी हुए वो पार्ट करने के लिए हमारी फिल्म। आप सही कह रहे हैं सर, पता है इस कहानी में एक ऐसी बात थी जब मंगेश ने सुनाई भी थी, तो ये कुछ उन कहानियों में से कि इररिस्पेक्टिव आप क्या हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। वो जो चीज बना रहे थे ना ये, आप अगर उसमें आपको लगता है कि अगर आप इंग्रेडिएंट की तरह जाके उसको बेहतर बना सकते हैं आप जाएंगे, तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में वो खुशबू थी जो कोई भी अगर एक्टर होगा ना उसको खींच लेगी अपनी तरफ, चाहे वो 1 मिनट का रोल हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे किसी का भी। तो वो एक बात है जो कि इतना खूबसूरत तरीके से। मुझे याद है जब मैं इनको दिव्यंदु को पहली बार पूछा था ना, एकदम डर डर के पूछा था कि करेगा नहीं करेगा, मिर्जापुर का ऐसा एक फेमस है, तो उसने मुझे बोला यार मंगया मैं ये रोल ऐसे कब करूंगा, फिर मुझे करना है। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि क्योंकि दिव्यंदु फिर आया बोर्ड पे। तो संतुलन का पार्ट इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि एक दो रीडिंग के बाद मैंने बड़ा अफसोस जताया कि यार ये 20 साल पहले और बड़े कई कलाकारों ने जिनको, जैसे मेरे बेटे के पार्ट के लिए कई लोगों ने जो कि उनके लिए वो आगे के हमें संतुलन करना है ऐसा भी। लेकिन मंगेश कमाल की बात है कि दिव्यंदु जैसे एक्टर्स हैं, इतने ट्रेंड एक्टर्स हैं और इतनी जबरदस्त फॉलोइंग है जिनकी, वो पहले के जैसे एक होते थे ना कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। लेकिन ये अगर मालूम है कि बाबूजी की कहानी है, उसमें एक संतुलन का काम ये कर रहे हैं, बैलेंस बनाने का, उससे ये पीछे नहीं हट रहे हैं। ये इस बदलाव को कैसे नहीं, वो डेफिनेटली आई थिंक ये ना कल्चर हमारी इस इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा कि कोई एक इंसान अपनी पोजिशनिंग जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं या टैग होता है उसको ज्यादा सीरियसली ना दे। यार हम ना स्टोरीज का पार्ट बनने के लिए आए, हम इसलिए नहीं आए कि मैंने कितनी फिल्में एज मेन लीड करी या प्रोटैगनिस्ट करी या एंटैगनिस्ट करी। यू वांट टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज। और जब कुछ ऐसी खूबसूरत कहानी मिलती है ना, मैं या गजराज सर जैसे एक्टर्स, हम लोग नहीं रह पाएंगे उससे अलग, हम कूदेंगे ही कूदेंगे इसमें। दैट्स व्हाई वी बिकेम एक्टर्स, कि हम कुछ किरदार कर पाए, वरना वो जो वरना एक ही तरीके का अगर आप सो कॉल्ड लीडिंग मैन ही करते रहेंगे
तो वो बड़े बेचारे ब्लैंड से भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमेशा सही डिसीजंस लेते हैं, सच्चाई की तरफ जाते हैं, कुछ ग्रे नहीं होता है उनमें, यू नो, जबकि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। दिव्यंदु, मैंने कई पिक्चरें देखी हैं विदेश की, यूरोप की और अमेरिका की, जहां पर बड़े नाम के कलाकार होते हैं वो तीन सीन के लिए आते हैं, कि मालूम चल रहा है कि वो जो कौन सा था फाइट क्लब, तो उसमें कौन से एक्टर थे, तो छोटे बड़े तीन सीन दो सीन, कि वो कहानी में कहां पर वो किस तरह से आ रहे थे। अभी ये देखिए क्रिस्टोफर नॉलन की जो नई फिल्म बन रही है उसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स दो दो तीन तीन सीन के लिए हैं, मतलब लाइन लगा के खड़े हैं वहां पे, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, यू नो, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या पार्ट प्ले कर रहा हूँ, इफ यू लाइक द स्टोरी यू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो। और फिल्म क्योंकि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने पे है, आप लोग तो बहुत सारे तीनों इतने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, धारणाएं हैं जिसको तोड़ रहे हो। एक तो ये शर्मा जी के बेटे हैं, जिनके बारे में एग्जांपल दे दे के मम्मी बोलती थी कि शर्मा जी के बेटे की तरह बनो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि किस फील्ड में वो टॉप कर रहा है, वो क्रिएटिव फील्ड में भी टॉप कर सकता है। और आप दोनों के मतलब छोटे गांव से शहरों से आकर भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव फील्ड में इतना नाम कमा सकता है। दूसरा, गजराज जी, आपने एक ये स्टीरियोटाइप, सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ा कि बड़े मतलब उम्र के वो पड़ाव से भी परे होकर आपको फिल्म में देखा जा सकता है, लीड रोल के तौर पे देखा जा सकता है। इन सब स्टीरियोटाइप्स के बारे में क्या बोलेंगे जो आप लोग इतने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहे हो? बहुत सही ऑब्जर्वेशन है ये, और वो उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूँ ऑडियंस को, जो नौजवान ऑडियंस है, क्योंकि वो डिमांड कर रही है, क्योंकि वो फटाक से रिजेक्ट करती है। और यही नहीं कि खाली थिएटर में, अगर जैसे हमारी फिल्म थिएटर में आ रही है तो पहले शुक्रवार को या शनिवार तक हमें मालूम चल जाएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन जो OTT पर भी आते हैं उनको भी लोग बता देते हैं, हैसियत बता देते हैं कि अच्छा है आपने कहानी ठीक से नहीं बोली, क्योंकि उसके भी नंबर्स होते हैं और वो भी उन चैनल को मालूम चलता है, प्लेटफॉर्म्स को मालूम चलता है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत बड़ा श्रेय है। और दूसरा, जो जो मंगेश है, मंगेश फिल्म मेकर है, और जब मुझे स्टोरी नरेशन के दौरान ही मालूम चला कि ये किसान भी है, किसानी करते हैं, कि मुंबई से 100-200 किलोमीटर दूर इनकी खेती बाड़ी है जो इनके भाई संभालते हैं, और ये जब फुर्सत में होते हैं वहां चले जाते हैं, और वो गाय बैल गोबर, मैंने खुद ऐसे वीडियोस देखे हैं, अभी तक देखे हैं, दिवाली की छुट्टी पे पूरे परिवार समेत थे वहां पे और गोबर उबर हटा रहे थे। मैंने कहा यार ये सहजता होनी चाहिए जीवन के अंदर, कि ऐसा नहीं कि मुंबई की अट्टालिकाओं में आकर बैठ गए हैं, काले चश्मे लगा लिए हैं और अब जो असली जीवन है उसे दूर बना लिया, एक ग्लैमर की दुनिया में घुस गए हैं। तो ये एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, ऐसा हो पाना कि आप अपनी सहजता को बरकरार रख सके। तो मुझे लगता है कि स्टीरियोटाइप इसी से टूट रहा है, कि अगर ऐसे मेकर हैं जो डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, ऐसे कहानी बोलने वाले हैं, ऐसी कहानी, और वो अपनी कहानी को दर्शकों तक, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 8-10 साल का परिश्रम किया है, ये कहानी 10 साल से 2014 में लिखी थी, तो तब से ये कहानी इनके साथ है और ये ऑडियंस तक लेकर आ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बैलेंस कैसे कर लेते हो आप, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड कैसे अपना लेते हो कि किसानी भी कर रहे हो, फार्मिंग भी कर रहे हो और ऐसी अच्छी फिल्में बना रहे हो जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं? वो तो इनका मोड किसानी वाला तो मेन मोड है, फिल्म को ऑन एंड ऑफ है, यहाँ पे थोड़ा के फिल्म बना लेते हैं, वो एक्चुअली कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो तो मेरे घर वाले इंतजार करते होते अरे कब आ रहा है तू। हाँ, मतलब ये वो वाले किसान नहीं है जिन्होंने 4 एकड़ जमीन ले ली है और बोल दिया है किसान है, वहाँ कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ जब हो, जैसे अवार्ड फंक्शन होता है तो एक रात का फंक्शन होता है, लोग मगर उसको 10 साल पुराना अवार्ड का DP आज भी होता है लोगों का, तो बहुत सीरियसली लेते हैं लोग उसको, तो वो मतलब वो नहीं लेना चाहिए मुझे, मतलब। हो गया वो रात की बात थी, है ना, तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेता। और दूसरा, हमारे गाय और जो 3 कुत्ते वहा, वो मुझे सीरियसली नहीं लेने देते, जैसे मैं गाड़ी से उतरता तो कीचड़ के पैर लेके कूद जाते हैं, तो वो नहीं बोल सकते कि भाई 3,000 की शर्ट थी तू क्या किया इसको, तो आपने औकात दिखाते हैं वो, तो फिर वो ठीक हो जाता है बैलेंस। बहुत बढ़िया, आप कैसे संतुलन बैठा लेते हो, मतलब इतना जब प्यार मिलता है। मैं पढ़ रहा था कहीं कि कानपुर की शूटिंग कर रहे थे, तो कानपुर में लोगों ने पूरा वो रेस्टोरेंट जहां आप शूट कर रहे थे आप चले गए तो तोड़ ताड़ दिया, साइबर कैफे, मिल नहीं पाए। फिर अभी सर बता ही रहे हैं कि आप जब इशारा करते थे लोग आपके हिसाब से चल रहे थे उज्जैन में, तो प्यार है मतलब इसको, एंड आई थिंक वही कोर की बात वही है कि डोंट टेक इट ऑल ऑफ इट्स टू सीरियसली। मतलब मैं रियल लाइफ में मुन्ना बन के नहीं घूम सकता हूँ कि यू नो अभी इतनी फॉलोइंग है, ये मुन्ना भैया जहां भी जाता हूँ वो लोग करते हैं। प्यार है, उसको एक्सेप्ट करिए, वो एक कैरेक्टर के लिए अप्रिसिएशन है, वो अच्छा लगता है, आपने एक कैरेक्टर बनाया था, लोग उसको पसंद करते हैं,
बट द मोमेंट आई विल स्टार्ट टेकिंग मायसेल्फ सीरियसली ना, वो दिक्कत हो जाएगी. तो काम को सीरियसली लेना है, अपने आप को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है. सो आई फील ग्रेट ऑनर्ड कि मतलब लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो वहीं तक है. मेरे लिए बहुत क्लियर है कि आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एवरी डे जब मैं सेट पे जाता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता था, एक्टर बन गया हूँ, प्रोफेशनली लोग मुझे जानते हैं, नाम जानते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. उसके बाद जो भी है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब प्राइजेज हैं आपके जो मिलते रहते हैं ऑन द वे आपको जर्नी के. बट जिस काम के लिए आपने जर्नी शुरू करी थी वो एम कभी नहीं भूलना है आपने. लेकिन जो जो इनका कम्युनिकेशन है ऑडियंस के साथ वो निराली बात है, ऐसा बहुत कम होता है. ऐसा कम्युनिकेट कर पाना, मुझे जब मैं ये देखा था, ये जब चीज इनका चल रहा था कि मुन्ना भैया और ये ऐसे कुछ शांति इनका जो पहला पहली बार जो कहानी में दोनों मिलते वो सीन शूट कर रहे थे घाट पर, और वहां 300 लोग वो ब्रिज पे वहां खड़े और इतना मिर्जापुर के डायलॉग बोल रहे थे, मुन्ना भैया, तो हम शूटिंग हमें समझना. फिर इन्होंने बोला कि शूटिंग करने दो शाम, और पिन ड्रॉप साइलेंस. तो वो एक मोमेंट मुझे याद आया, बहुत साल पहले मैं दिल्ली में एक शूटिंग चल रही थी दिल से की. हाँ जी. और दिल्ली की सड़कों पे हम लोग एम्बुलेंस के अंदर थे, शाहरुख खान को हम लोग लेके जा रहे हैं, वो घायल हैं, मैं और मेरे को एक्टर्स, और हम एम्बुलेंस के अंदर ही सीन हो रहा है और खुला था, पीछे ट्रैक हो रहा था. तो बाइकर्स चले आ गए और वो शाहरुख खान तो वो उनका जलवा रिंग रोड पे चल रहा है, मतलब और और मतलब हुजूम भवंडर मचा दिया. लेकिन एक जगह पे एम्बुलेंस रुकी, शाहरुख खड़े हुए और उन्होंने बात की 30 सेकंड कि हम शूटिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी शूटिंग रुक जाएगी, परमिशन चली जाएगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. उस समय तो फोटो वोटो का झंझट नहीं होता था, ऑटोग्राफ होते थे, तो ये कि आप जहां रुकेंगे वहां पे मैं ऑटोग्राफ दूंगा सर. बिल्कुल. और लोग एकदम मैजिशियन जैसे करता है ना, वैसे हो गया. नहीं, वो बिल्कुल, वो सर ने सही बात बोली, वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. यहीं पे अगर आप अपने बॉडीगार्ड्स जो होते हैं अगर उनको कहेंगे इनको जाके चुप करो, वो तरीका नहीं है. दे आर अप्रिशिएटिंग यू. कई बार बस क्या होता है, जैसे आपने कहा तोड़फोड़ कर दिया था कानपुर में उसके, वो क्या होता है जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाते. सिनेमा लार्जर देन लाइफ है इंडिया में, तो वो मतलब उनकी गलती नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है एक्सप्रेशन कैसे करना है. बट इफ यू टॉक टू देम, इफ यू टेल देम कि भाई मैं यहीं पे हूँ, आप जी भर के देखो मुझे, शूटिंग भी देखो, मजे करो, लेकिन डिस्टर्ब मत करो. और मेरे ख्याल से वो जो आपके प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वो आपसे एक एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं कि भाई हम आपके लिए आए हैं. बिल्कुल. लास्ट ईयर हम लोग मजामा ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक फिल्म है जिसमें माधुरी जी, हम लोग अहमदाबाद में शूट कर रहे थे, तो जहां पे हम शूट करते थे वहां पर जो बेस था उसके आसपास 300-400 लोग आके खड़े हो जाते थे, और माधुरी जी निकलती थी और वो रुक के सबको वेव करती थी, सब लोग अपना फोटो खींच लेते थे और शांति से चले जाते. कुछ कोई हल्ला, कोई हुड़दंग, कुछ नहीं होता. लेकिन उसकी जगह पे अगर वो जाके उनको लठ मार किया जाए तो वहां पे फिर एक इससे अच्छी चीज याद आई मेरे को, गजा सर माधुरी दीक्षित की फिल्में आप देखा करते थे और सोचते थे कि मतलब वो एक अलग दुनिया होती थी आपकी, और जब उन्हीं के साथ में एज अ हीरो आप आए, वो पूरा जो भंवर की लेखनी से शुरू हुआ सफर और अब ये थाई मसाज तक गया और बीच में हीरो भी बने आप माधुरी दीक्षित के, इसको कैसे आप समराइज करते? हीरो नहीं, उनके हस्बैंड का पार्ट मिला, हीरो वाली उम्र तो रही नहीं है मेरी. सर हीरो है आप, बधाई हो में भी थे इस फिल्म में भी. हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट मिलना, क्योंकि वो जो हीरो और हीरोइन का जमाना 90s में, जैसे मैं पहले भी कहा है कि वो शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, ये लोग थे हीरो और हीरोइन, वो जो मैजिक जो हीरो हीरोइन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है. अभी हम मैं एक्टर, अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर या सेलिब्रिटीज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पर आज आपके साथ बैठ के, देवेंदु के साथ बैठ के, अवार्ड कुमार जी के साथ बैठ के मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ. आज से 5 साल पहले शायद मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा मौका आएगा या मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया जाए. ये अब सोचने वाली बात है कि तलवार जब आई थी उसमें अच्छा पार्ट था और बीच में बात चली कि अच्छा गजराज अपना ये 3-4 दिन खाली रखना, हम प्रमोशन के लिए बुलाएंगे, फिर नहीं बुलावा आया. मैंने पूछा प्रोडक्शन से कि क्यों नहीं, वो पीआर टीम में बोला कि आपको लोग जानते नहीं है, तो वो क्योंकि मकसद तो ये है ना कि जो परिचित चेहरे हैं वो ऑडियंस तक अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता पाए. और
तो मुझे बड़ी मायूसी हुई, बड़ा अफसोस हुआ कि अरे यार मैंने अच्छा काम किया था। और लेकिन अगेन उससे नहीं होता, बधाई के बाद चीजें बदल गई और अभी इस तरह के मौके मिलते हैं। हो सकता है कि 2 साल बाद ये मौका फिर से चला जाए। मैं अगर अपने बट आई थिंक सर वो जो इकोसिस्टम था ना वो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब वो जो एक सेट थाली मिलती थी ना पहले हिंदी फिल्मों की, दाल सब्जी दो रोटी अचार पापड़, वो लोग नहीं खाते अभी। अभी सबके लिए बूफे है, उनको पता है उन्हें जाके क्या खाना है, सब लोगों की क्लैरिटी है। तो अब मुझे नहीं लगता भगवान ना करे ऐसा हो। आप दोनों से बेहतर इसको कौन समझा सकता है? मैं तो ब्रांड एम्बेसडर, मतलब लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैंने किसी काम देखा है तो दिवेंदु का देखा है। आशीष के बगैर कोई फिल्म या प्रोजेक्ट की मेरी पूरी नहीं होती है। मतलब सबसे पहला इंसान जो मुझे दिखता है वो आशीष होता है हमेशा। मतलब मैंने हर चीज देखा, बर्बाद, गली, शुक्राणु, जितने हैं, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ। और सब में मैं वही बोल रहा हूँ कि वो अलग छाप छोड़ने वाली जो बात है, वो डायलॉग पकड़ना, वो लिंगो पकड़ना या फिर उस किरदार में, वो कमाल। सर आपके बारे में जैसे, मतलब बैंडिट फिल्म से शुरू हुआ सफर, इतनी मेहनत हुई लेकिन वो कभी खींच नहीं आती थी, जैसा आप बोल रहे हो कि तलवार के लिए आपसे टाइम भी लिया प्रमोशन के लिए, और उसके बाद वो मन में लगता नहीं था कि एक दिन आएगा और फिर ये ऐसा दिन भी आएगा। देखिए मेरे एक दोस्त है बहुत अजीब थिएटर के जमाने से, वो मुझे बोलते हैं कि अगर आपकी जिंदगी प्लस में है, आपको एक रोटी चाहिए थी और आपको 2 रोटी मिल रही है, तो आप ये कंप्लेन मत करो कि मुझे गोभी का पराठा क्यों नहीं मिल रहा है। कंप्लेन नहीं होनी चाहिए जीवन में। तो मुझे मैं कंप्लेन कभी नहीं की, इच्छा जरूर रखी, डिजायर जरूर रही कि भाई ऐसा हो जाए कि भाई मीरा नायर के साथ काम करने का मौका मिले, या विच इज फेयर, और क्या क्रिस्टोफर नोलन कि उनके साथ काम, क्योंकि उन्होंने डिंपल कपाड़िया को लिया तो हमें भी ले ही सकते हैं। मुझे बड़ी, मतलब वो क्रिस्टोफर नोलन की जो, वो सबसे पहली बार मुझे जलन महसूस हुई थी, लाइक ये कोलाबा तक आ गए थे। एग्जैक्टली इतना पास आ गए थे यार, हाथ नहीं लगे। तो वो एक डिजायर जरूर रहती है कि भाई, जैसे बधाइयों के बाद शेखर कपूर सर का फोन आया और उन्होंने बोला कि गजराज बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और करेंगे। मैं 3 साल से लगातार उनको तंग करता हूँ, मैसेज करता हूँ उनके फोन पर, और कि भाई डिजायर है कि भाई इनके साथ बैंडिट क्वीन की थी ये, मुझे अभी भी ये काम, अभी भी उनको किसी फिल्म को पुरस्कार मिला है, लंदन में उन्होंने शूट की है जिसमें एशियन कैरेक्टर्स भी अच्छा हैं, राइट, शबाना जी हैं उसमें, और बड़ी ईर्ष्या हुई मुझे कि यार इसमें पार्ट मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। तो वो अच्छी वाली ईर्ष्या, तो ईर्ष्या अच्छी वाली, ये वाली अच्छी है। इनसे ईर्ष्या होती है कि मुन्ना भाई यार क्या करता है, मतलब कैसे कर लेता है ये बंदा, कैसे ये इतना सटीक कैसे हो सकता है कुछ। कि जब हम लोग पहला सीन कर रहे थे और मैंने पढ़ी थी स्क्रिप्ट, तो मुझे उसके नुआंसेस अलग तरीके से मुझे समझ में आए थे, लेकिन जब दिव्यंदु ने वो संतुलन कुमार में घुस के वो जो डायलॉग बोलने शुरू किए, अच्छा सही है, अच्छा ये पॉज यहाँ लिया है, अच्छा ये ऐसे करेगा जी, मैं अपनी तरह से कर रहा था अपने दिमाग में, तो वो मुझे बड़ा हुआ कि यार, जैसे मैंने बोला कि यार ये 20 साल पहले क्यों नहीं पिक्चर की, ये पार्ट मुझे मिल जाता। तो कंप्लेन नहीं है, खुशी है आसपास जो जब तक ऐसा चल रहा है, और नौजवान मेकर्स हैं, मैं मैसेज कर देता हूँ जो भी हार्दिक हैं, जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनको या घेवान को या जिन भी लोगों को, मुझे कोई संकोच नहीं उसके अंदर कि भैया आपके पास मेरे लिए कोई पार्ट हो इंटरेस्टिंग तो मुझे जरूर आप बताएं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब पहले लोगों का एक ईगो होता था, वो खुद से बोलते नहीं थे। नीना गुप्ता जी हैं, आप हैं, आप बड़े कमाल तरीके से, नीना जी ने तो बड़ा एकदम रास्ता खोल दिया ना कि भैया आप बिना हिचक के बता दो यार, आपको काम करने का मन है और आपकी बात पहुंच नहीं रही है, आप वाया वाया जा रहे हो, तो आप क्यों नहीं इन्फॉर्म करोगे भाई मुझे आपके साथ काम करना है। हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहा हो आदमी, लेकिन मौका ना मिल रहा। आप, आई एम श्योर आप तीनों का एक अलग ही ये जर्नी है, वो इतनी आसान नहीं रहेगी, उसके साथ में स्ट्रगल। आपके बारे में तो पढ़ रहा था, एक टाइम ऐसा भी आया जब मुंबई में किसी प्रोड्यूसर के पास आप गए थे और उसने बोला हुआ था कि ये कहानी लेंगे और नहीं भी लेंगे तो पैसे देंगे, सिर्फ शायद 6 रुपए आपके पास थे और आप बड़ा मुश्किल में आपने वो वक्त। आपके साथ भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा होगा, बहुत छोटे गांव से आप हो और यहाँ तक कि अवार्ड कुमार बनने का जो सफर है वो बड़ा मुश्किल रहा होगा। कुछ अपने बारे में बताइए, फिर दिव्यंदु भाई के पास आऊंगा उस कहानी के बारे में। यार वो बहुत अरसा पहले की बात थी, क्योंकि मैं लिखने की कोशिश करता था, भंवर एक सीरीज था उसके डायलॉग्स लिखता था। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो TV18 बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, राघव बहल, संजय रे चौधरी और ये लोग तमाम लोग थे, और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के थिएटर वालों को वो लोग रोजगार दे रहे थे, तो उसमें मेरी चल पड़ी थी उस तरह से।
तो वो काम करते हुए और थिएटर की वजह से एक प्रोड्यूसर मुंबई से मुझे उन्होंने बुलावा दिया और प्रॉमिस किया कि भाई आपको हम भले ही प्रोजेक्ट आगे बढ़े नहीं बढ़े हम आपको इतना अमाउंट तो देंगे हम. और मैं उसमें आ गया. यहाँ पे 1.5-2 महीने हमारे मेरे यहाँ पर राइटिंग पार्टनर थे, उनके साथ बैठ के किया, काम किया. और जिस भी वजह से, और उसमें भी ये था कि उनके जो पार्टनर थे प्रोड्यूसर के, वो विदेशी थे, उनको हिंदी नहीं आती थी. उनको मैं हिंदी स्क्रिप्ट सुना रहा था और वो साउंड सुन के रिजेक्ट कर रहे थे. नाउ इट डजंट साउंड करेक्ट टू मी. तो ये हुआ मेरे साथ हादसा. तो सोचिए कि मैं बड़ा मायूस. और उन्होंने पैसे देने से ही मना कर दिया. बोला कि नहीं, जो भी नाम था उनका पीटर ने मना कर दिया, तो अब तो नहीं होगा. तो फिर मैं नीचे आया और मैंने देखा जेब में पैसे ही नहीं. होता ना कई बार आप किसी पे इतना आश्रित होते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि हो जाएगा, मैं चला जाता हूँ वहां पे. जैसे आप भगवान के पास जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ वहां पे वैष्णो देवी और वहां पे मुझे भगवान कुछ दे देंगे मुझे. और ये तो बुलावा आया, ये तो बुलावा आया है, सब कुछ हुआ है और मेरे पास 6 रुपए और मैं अब इसमें मैं क्या करूं, मैं पैदल जाऊं क्या करूं. और फिर मुझे थिएटर के जमाने के एक दोस्त थे जो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते थे, उनका मुझे पता था. तो इमेजिन करिए कि मेरी जिंदगी में वो पहला और आखिरी मौका है कि जब मैं उनके पास गया और मैं भरी हुई आंखों से उनको बोला कि यार राजीव ऐसे नहीं है. और उसको भी लगा कि यार ये आदमी तो मतलब कुछ कर बैठेगा अभी. तो उन्होंने 500 रुपए निकाल के मुझे दिए और मैं घर आया, ट्रेन का टिकट बुक कराया, जो राइटिंग पार्टनर थे जो मेरे जो यहीं पे रह रहे थे उनको कुछ पैसे दिए और मैं वापस दिल्ली गया. तो वो एक लर्निंग लेसन था कि आप आंख बंद करके किसी पर आश्रित मत हो जाओ, अपना ड्यू डिलीजेंस लगाओ, प्लान बी रखो. तो उसी वजह से मैं कभी भी वो जो 250 या 300 लोगों का जो ऑडिशन होता है एक्टर्स का, उसमें जाके मेरी बैठने की हिम्मत नहीं हुई. कि आप कुछ ऐसा करते रहो और उसके बीच में हो सकता है कि वो शायद कुछ और हो जाता अगर मैं उसमें इतना उससे उस पर शायद उन ऑडिशन रूम में जाके बैठता. लेकिन मैं अपना एडवर्टाइजिंग का काम चलता रहा, एड फिल्म्स डायरेक्ट करता रहा और उसके बीच बीच में ये ब्लैक फ्राइडे और आमिर और तलवार और ये हो गई. और अमित शर्मा जो बधाइयों के डायरेक्टर है उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और थोड़ी सी जिंदगी पलट गई. मंगेश बताइए आप. मेरा स्ट्रगल तो टिंगिया बनने तक प्रोमिनेंट रहा क्योंकि मैं 10 रुपए लेके आया था मुंबई. और अच्छा तो मेरे से 4 रुपए ज्यादा थे. मेरे 10 मैंने खर्च नहीं किया भी है मेरे पास. तो हाँ, तो बेसिकली मैं आया मुंबई और मैं 22 साल का था तब मैंने टिंगिया की स्क्रिप्ट लिखी. मगर मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, तो किसी प्रोड्यूसर के पास. और तब जो मराठी फिल्में बनती थी वो सास बहू वाली फिल्में बनती थी और सब्सिडी मिलती थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो ज़्यादा फिल्म सब्सिडी के लिए बनती थी. तब मैं ऐसी एक कहानी लेके घूम रहा हूँ, एक बच्चा और एक बैल है. तो पहले तो इंटरटेन नहीं करते थे. मुझे याद है एक प्रोड्यूसर को मैं नरेशन दे रहा था और मैंने शुरुआत की कि धक 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 धक. तो बोले ये क्या है? तो मैं बोला हेलीकॉप्टर आता है. तो बोले खाना खाया आपने? तो मैं बोला नहीं. तो बोले खाना खाओ, हेलीकॉप्टर. तो वही से रिजेक्ट. तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हुई. और लेकिन एक बात है, जब जुनून इतना ज्यादा होता है ना तो वो भूखा पेट या वो भूख नहीं महसूस करने देता, या आप कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ना वो एहसास नहीं होता उस बात का. वो नशे में होते हो आप. और वो बन गया. मुझे 41 प्रोड्यूसर ने मना किया था टिंगिया के लिए 2.5 साल में, लेकिन मैं डटा रहा. और 41 से ज्यादा आपने अवार्ड निकाले. 57 मिले. See? और 22 लाख की फिल्म थी हमारी, 7 करोड़ 80 लाख बिजनेस किया था. तो मंगेश मैं एक समझना चाह रहा हूँ, वो आप एक छोटे गांव के बैकग्राउंड से आके ये हिम्मत कहाँ से जुटाए कि ऐसी फिल्म और इस फील्ड में आना है? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्टीरियोटाइप रहता है कि बड़े शहर, पढ़ाई लिखाई, हर चीज, वो ट्रेनिंग लेके तब कुछ ऐसा करने का एक हिम्मत जुटा पाता है आदमी. आपने वो कैसे किया? बट ये भी रहता होगा ना कि यार अपन तो खेती करते हैं, मतलब पूरी फसल उगा देते हैं, ये क्या है, मतलब कर लेंगे जाके, ऐसा क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना वो छत्रपति शिवाजी का बर्थ प्लेस है. तो हमने बचपन से ना शिवाजी की कहानियां बहुत सुनी है, दादाजी से, पिताजी से. तो अच्छा. असर जो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य तैयार किया ना, ये बात का असर बचपन से, मतलब हम ऐसे सैटरडे संडे घूमने जाते थे शिवनेरी फोर्ट पे. तो वो एक इच्छा शक्ति बोलो या जो भी बोलो वो. और मेरी पढ़ाई थिएटर में हुई है, तो वहां जाने के बाद एक
बिरजू महाराज, गिरीश कर्नाड, महेश कुंचवार, विजय तेंदुलकर, सत्यदेव दुबे, विजय मेहता और भक्ति बर्वे, वामन केंद्रे और जब्बर पटेल और कई सारे, फिर भीमसेन जोशी, तो जो लीजेंड कैटेगरी में लोग आते हैं, तो उनसे जब आप इंटरेक्शन करते हो स्टूडेंट के तौर पर, तो फिर वहाँ से चीज़ें खुल जाती है। और मेरे पिताजी एक ही बोलते थे यार गुंड, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, टेंथ में मुझे 37% थे, ट्वेल्थ में 43, ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं लिया। मेरे पिताजी बोलते थे कि तू गुंडा भी बन गया ना तो बहुत आसानी से नहीं मरना किसी से, हाथ नहीं आना चाहिए, तो मतलब वैसा कुछ कर, तो पिताजी से शायद वो आया होगा। क्या बात है, ये डायलॉग बहुत कमाल है। वाह यार भाई, आपके ऊपर आता हूँ कि रोड़ीमल कॉलेज का वो शर्मा जी का लड़का फिर FTII में पूरी तरीके से ट्रेंड होके पहुंचा, और वो क्या, वो जो प्यार का पंचनामा तक का जो सफर था, उसके बाद वो उसमें लिक्विड के किरदार में भी लोगों से इतनी वाहवाही पाए हर चीज। अब उसके पहले आजा नचले में छोटा किरदार था, शायद वो लोगों ने उतना उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद वो होने के बाद चश्मे बद्दूर और बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन जो आपको, जो आपका ड्यू था वो उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन OTT आने के बाद, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं तो आप ही को देख रहा था इतनी कमाल तरीके से, कि और मुन्ना भैया ने जिस अंदाज में आपको जो प्यार और एक वो ख्याति दिलाई, मेरे ख्याल से वो हो नहीं सकता। इस बीच के पूरे सफर को कैसे देखते हो आप? ऑनेस्टली मेरे साथ ये हुआ कि कभी काम की कमी नहीं। पैसे कितने थे? ये चार दस, इससे ज्यादा थे मेरे पास। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा मुझे कभी काम की कमी नहीं हुई, कमी ये थी जो मुझे काम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और तो बाहर से लोगों को ये बात बड़ी अजीब भी लगती थी कि यार ये कैसी बात है, तुम्हें काम मिल रहा है तो जाओ करो ना। और मुझे एक अलग ही भूत सवार था कि नहीं यार, मैं तो ट्रेन करके आया हूँ, मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, यू नो मुझे तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, एक ही तरीके के करता रहूंगा तो टाइपकास्ट हो जाऊंगा। तो मेरी जो जद्दोजहद थी वो फेमस होने के बाद शुरू हुई, लाइक यू सेड, कि एक दो जब ऐसे हिट कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं तो लोग डायरेक्ट आपको काम वैसा ही देते रहते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे ऑफर करते हैं आपको, तो वो और दिमाग घूम जाता है कि यार सडनली इतने सारे अपॉर्चुनिटी और पैसे को आप मना कर रहे हैं, देन पीपल टेक इट ऑन देयर ईगोस आल्सो कि अच्छा मना कर दिया, तो एक वो खानदानी दुश्मनी अलग पैदा हो जाती है वहां से, तो आपको लगता है यार मैं आपको मना नहीं कर रहा, मेरी अपनी लड़ाई है, आप क्यों दिल पे ईगो पे ले रहे हो अपनी। तो ये जो सारी चीज थी, बट पता नहीं कुछ था, कुछ पता नहीं, और मैं ये सोचता भी हूँ यार कि मेरा तो कुछ प्लान ही नहीं था, मैं क्या सोच रहा था लाइफ में, इतनी चीजों को मना कर करके बैठा हुआ था। इवन मैंने सुना कि प्यार का पंचनामा सीरीज भी आपको ऑफर हुई थी, लेकिन वो भी आपने मना की कि एक टाइप की चीजें मैं नहीं करूंगा। वो है, तो मैं यही सोच रहा था, तो मुझे लग रहा है भगवान को ये लगा ही होगा कि बॉस ये कुछ ज्यादा ही सटकी हुई चीज है, इसे कुछ दे दो वरना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। बिकॉज वंस आई गॉट मुन्ना एंड यू नो पीपल लाइक्ड मिर्जापुर एंड एवरीथिंग, उसके बाद मैं सोच रहा था यार ये नहीं होता तो क्या होता था, मतलब मैं सोच क्या रहा था लाइफ में, यू नो उसके बाद होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें पहले कुछ करने से डर लगता है या बाद में लगता है, तो मुझे बाद में लगता है, तो मुझे मुंह से खटाक से ना निकलता है किसी के भी बड़े से बड़े के सामने, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे घर जाके होता है कि अरे मैंने बोल दिया, ठीक किया कि नहीं किया, वहां पे तो चौड़ में बोला है। बट आई थिंक इंटेंशन जो थी वो हमेशा से प्योर थी, वो बस ये थी कि मैंने जिस तरीके से अपने आप को एज एन आर्टिस्ट देखा था, मुझे बस वो पाना था, कुछ सक्सेस फेम ये सब इसके बारे में नहीं सोचा था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, वॉन्टेड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, मेरी बस एक ये चाहती, सिंपल सी। वो समझाने में लोगों को मुझे बड़ी देर लग जाती थी, बिकॉज वो समझते नहीं थे ये बात, तो कि क्यों काम को क्यों मना कर रहे हो ये, तो मुझे बस ये होता था कि यार मुझे थोड़ा डिफरेंट करना है, उसमें आप थोड़ा सा तो समझो मेरी बात को, तो वो एक दिक्कत होती थी। बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं ना कहीं कुछ, और आप तीनों ये मानेंगे कि OTT के आने से, मतलब खासकर आपके जैसे, गजराज जी जैसे जो कमाल के एक्टर्स हैं, ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, उनके लिए एक अलग जगह बनी, और लोगों को जो वो पेनिट्रेशन है वो गजब का हुआ। आई थिंक मेरिट है जो सबसे बड़ी चीज OTT ने ऊपर ला के दिया, कि भाई अगर मेरिट है तो आप चाहे इंडिया के किसी कोने में बैठे हुए भी अपनी फिल्म या वेब सीरीज बना रहे हो, जब कल वो आएगी ना प्लेटफॉर्म पे तो लोग उसे देखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है किस बैनर की आपकी फिल्म है या आपकी OTT सीरीज किस उसकी है, इफ इट्स गुड आग की तरह बात फैलती है और लोग उसको देखते हैं और सराहते हैं। ये मेरिट अगर और भी फैल जाए ना, फिल्म्स में भी अगर और आ जाए, पूरे इकोसिस्टम में हमारे आ जाए, तो आई थिंक विल
I mean, move towards a very fine place. और अब तो language barrier भी टूट गया है पूरी तरीके से, मतलब कैसे देखते हो मंगेश जी, आपकी मराठी वाली फिल्में भी अब हर लैंग्वेज में आ सकती है, साउथ में भी आप फिल्म बना सकते हो, इसको कैसे देखते हो आप? मैं तो फिल्म के लिए लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट समझता ही नहीं हूँ कि वो जुबान क्या है, किरदार की जुबान में बात कर रहे कहानी कितनी वैश्विक है और वो कहानी कितने लोगों के दिल तक पहुँच सकती है, उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज तो ठीक है, मतलब गजाज सर क्योंकि आपसे इतना ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है एज अ राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपको एक्टर के तौर पे एक्सपीरियंस है, बीच में ऐसा हुआ कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक नहीं चली, तो लोगों का एक ये हो गया कि बॉलीवुड क्या ख़त्म हो रहा है, इस पूरे चीज़ों को आप दोनों कैसे लेते हो? मेरा तो ये कि सैचुरेशन पीरियड है ये, और हर फील्ड में हर जगह पर आता है। रेस्टोरेंट कई बार होता है कि बहुत कमाल का चल रहा होता है और फिर उसके बाद आता है उसका लल पीरियड आता है, क्योंकि 6 रेस्टोरेंट्स और नज़दीक में आ जाते हैं कि यार वहाँ का खाना खा लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि रातों रात, और बिजनेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर में या अलग अलग एक्सपोर्ट में उसके अंदर भी कमी आती है कि लल आ जाता है कि यार काम ठीक नहीं चल रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस ख़राब है, वो उसको समय देना चाहिए, उसके अंदर नई ऊर्जा आती है, नए लोग आते हैं, जैसे ये मंगेश हैं अभी, और मंगेश जैसे और फिल्म मेकर्स आएंगे और नई कहानियाँ बनाएंगे। तो ये फेज़ है कि 60s में होता था कि दिलीप कुमार से लेकर जितेंद्र से लेकर राजेश खन्ना तक अपनी आधी जो ज़िंदगी थी वो चेन्नई मद्रास की शूटिंग में बिताते थे, कि वो 6-6 महीना वहीं पर जा रहे, वहाँ पर घर लिए हुए थे लोगों ने, प्राण साहब। तो एक दौर था कि वहाँ के मेकर्स कुछ अलग तरीके की कहानियाँ लेकर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं उसको इन खांचों में नहीं बांटना चाहूँगा कि बंगाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रतीम डी गुप्ता, श्रीजीत मुखर्जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मलयालम में गजब का काम हो रहा है, असमी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पीछे देखिए आप, मैंने नोटिस किया पहले बड़ी खुश मिजाज हंसी मजाक वाली चुटकुलों वाली फिल्में होती थी, लेकिन एक रेडुआ एक फिल्म है, एमी विर्क, ये इस तरह के जो मेकर्स हैं जो खुद एक्टर हैं, सिंगर हैं और प्रोजेक्ट माउंट कर रहे हैं, उनके सिनेमा आप देखोगे लगेगा कि यार ये मतलब किसी भी बड़े यूरोपियन सिनेमा के मुकाबले में भी स्टैंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे खांचे में हम लोग नहीं बांटना चाहिए और समय देना चाहिए। देवेंद्र क्या बोले? I mean, could be like a wake-up call for us also. You know, शायद ज़्यादा lazy शायद हो जाते हैं कभी कभी, कि जो चीज़ चल रही है उसको वैसे ही चलाते हैं, लोगों का टेस्ट बदल रहा है। तो लाइक सर सेड, वो रेस्टोरेंट जो है और भी खुल गए हैं तो लोग वहाँ जाके खाने लगे हैं। तो बस एक ये चीज़ की ज़रूरत है, बदलाव हर चीज़ में आता ही आता है, तो बदलाव को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे दूर भागना नहीं कि ये क्यों हो गया क्या हो गया, उससे डरिए मत, उसे अपनाइए। शुरू में थोड़ा सा डराता है बदलाव, सबको डराता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसको महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग सिर्फ अच्छा फिल्म देखना चाहते हैं, अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। छोटी सी बात है, बस अच्छी स्टोरीज बनाएं, लोगों को एंटरटेन करें, कोई मुद्दा लेके तो बैठा नहीं है कि हम देखने नहीं जाएंगे। फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगता है, लोग तय कर लेते हैं जाना है या नहीं जाना है, एज सिंपल एज दैट। तो अच्छा ट्रेलर आएगा, अच्छी फिल्म आएगी, लोग जरूर जाएंगे। तो जैसे अब ये फिल्म है, ये फिल्म दर्शक इसको अगर थोड़ी शाबाशी दे देंगे तो मंगेश को और निर्माता हायर करेंगे, रिलायंस वाले दोबारा बोलेंगे भाई कि मंगेश एक और प्रोजेक्ट बनाइए, और मंगेश मुझे, दिवेंदु या हम जैसे किसी कलाकार को अपॉर्चुनिटी देंगे। कहीं ना कहीं वो मंगेश जैसे जो कमाल के डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो जो मौलिकता है, वो नयापन है कहानियों में, और हमारे बीच की कहानी है, उसको लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल, मतलब देखो हमने अब गेंद जो है दर्शकों के पाले में है। Yes. हमने अपना काम कर दिया मेहनत से। जी करे। मैं उनको ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा वो एक नाराजगी जाहिर करते रहते हैं कि अच्छी कहानी नहीं मिल रही है, और ऐसे लोग जो इंडस्ट्री के नहीं है, मैं तो आप तीनों के बारे में बोल सकता हूँ, उनको सपोर्ट, तो आप सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आपको सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आके बाहर के लोग भी और फलेंगे फूलेंगे और अच्छे से काम होगा। और चांस जरूर दीजिए, फिल्म देखिए, अच्छी नहीं लगती हमें बताइए, अच्छी नहीं लगी हम मतलब आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिल्म देखिए जरूर। और अच्छी लगे तो 10 लोगों को बताइए कि भाई आप ये फिल्म देखिए, थोड़ा शाबाशी दीजिए इन लोगों को। और क्लैश भी जबरदस्त है आपकी फिल्म का, ऊंचाई के साथ में, मतलब कि वो सीनियर सिटीजन है तो वो भी, लेकिन वो भी एक जर्नी है, उसमें भी सफर है एक तरह का, और हमारी फिल्म में भी एक जर्नी की कहानी है। बट इट्स सच अ
वेलकम चेंज राइट, एक ऐसे दिन पे ऐसी कहानी आ रही है जो इतनी अलग है, जो कि सो कॉल्ड बॉलीवुड के हमारा जो खांचे में जो है उसमें नहीं बैठती है, अलग है, इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम। कमाल की चीज ये भी है ना देवेंदु भाई की, एक तरफ मतलब इंडस्ट्री के इतने बड़े महानायक जिनको बोलते हैं उनके खिलाफ आप मतलब क्लैश खिलाफ नहीं, हम लोग साथ में हैं, हमारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी है, दर्शकों की तादाद बहुत बड़ी है और दोनों फिल्मों को शाबाशी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मैं तो इसको कॉम्पिटिशन में ले ही नहीं रहा हूँ जी। और अच्छी बात, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उनके साथ आ रहे हैं, ताकि बच्चन साहब की वजह से जो लोग दर्शक आएंगे थिएटर में जो हमारी फिल्म के बारे में शायद ना भी जानते हो और हमारे पोस्टर देख के बोलेंगे चलो कल हम ये वाली फिल्म देखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी तो, बड़ा मजा है। और आपकी फिल्मों के साथ एक अच्छी चीज क्या है, मैं खास बात बताता हूँ कि वो आंखों में नमी के साथ ना चेहरे पे खुशी लाता है, दिल में खुशी लाता है। ये इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जाएंगे दर्शक उनको उसमें आनंद आएगा। बिल्कुल, और ये एक फैमिली एंटरटेनर है, परिवार के साथ देखी जा सकती है, कोई उस तरह की ऑकवर्ड ऐसे मोमेंट नहीं है इसके अंदर और मजेदार। देखो बेटा, अरे बाबा पंकज त्रिपाठी मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना हाफ वॉली पे बोल देना। अरे बाबा बंद कर ले यार, मुझे दिख जाएगा क्या कर रहा है, मैं कितना छुपा हूं अपने आप को। सत्या में एक्टर बहुत फेमस हुआ था मनोज वाजपेयी। हां यार बहुत मुश्किल करा था। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है।